हरदोई जिले की पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी एक नदी के किनारे असले तैयार करने में जुटे हुए थे। पकड़े गए आरोपी राजपाल के पास से 15 बने हुए असलाह, अध बने असले और बनाने के उपकरण और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अभियुक्त के आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राजपाल एक नदी के किनारे फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस के मुताबिक लोकसभा इलेक्शन से पहले अवैध असलाहों की धरपकड़ कर अभियान चल रहा है। थाना हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव रखते हुए अवैध शस्त्र और उनकी फैक्ट्रीज के ऊपर अभियान चलाया जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना हरियाणा के द्वारा अपने यहाँ के हिस्ट्री सीजर राजपाल को गिरफ्तार करके एक शस्त्र फैक्ट्री और तमाम बने अधबने को मैच बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 23 है। इसमें नाले सम्मिलित है, 215 बोर्ड और 12 बोर्ड के बने और अधबने तमंचे सम्मिलित हैं और 4 कारतूस भी हैं और साथ ही फैक्ट्री जो उपकरण होते हैं बनाने के काफी समय वो बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजपाल पूर्व में भी तरह मुकदमों में जेल जा चुका है और थाना हरियाणा का मजारिया हिमाचल है उसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। पूछताछ करके पता लगाया जा रहा है कि उन तमंचों को वो कहाँ सप्लाई करता था, किसको बेचा है उसने और कितने बेचा है, इन सारी बातों की कहाँ चला रहा था और कैसे पुलिस से चल पा। ये शिवली गांव का रहने वाला है और वहीं पास के खेत में उसके द्वारा भर्ती चलाई गई। इतने बड़े पैमाने पर शस्त्र पकड़े गए, कहाँ इनको खपाया जाना था इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कहाँ गांव से बेचा है, किस सरपर से बेचा है और पूछताछ के किस में डीम करवाया है।